प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गिरिव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतल। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपर्व अथाह वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊ गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊ आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋद्धिदाता सोई अवगत गुणे अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावे समरस जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जावे सैस 88 उतरे भव जल पारा कटहे यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे सैस 88 उतरे भव जल पारा कटहे यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं दरों चरण पर शीशे। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज जी ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम।
कुत्ता हूँ गुरु देव का, रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जांखें चुवा जाऊं, तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सुख। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोय, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाहीं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। कबीर तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहर पिता को लाज। कबीर मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुलदेव, कुल के मालिक कबीर देव, कबीर साहिब जी की असीम कृपा से आप जी सत्संग में पहुंच पाए। बहुत ही पुण्य भागी प्राणियों को यह सत्संग सुनने को प्राप्त होता है। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। सभी इस संसार के अंदर परमात्मा समय समय पर प्रकट रहते हैं, या अपने कोई संत विशेष को अपनी शक्ति पावर दे करके इस धरातल पर भेजते रहते हैं, ताकि संत की प्रेजेंस इस पृथ्वी पर रहेगी तो जनता कुछ हाहाकार से बचेगी। संत ना होते पृथ्वी पर तो जल मरता संसार। पुण्यात्माओं, मात पिता मिल जाएंगे लख 84 माँ, और सतगुरु सेवा और ये भक्ति भाई फिर मिलन की ना। जिस भी प्राणी के शरीर में आप, जिस भी पशु पक्षी के शरीर में जन्म प्राप्त करोगे, जो भक्तिहीन प्राणी हैं वो, तो वहाँ माता पिता भी होंगे, उनमें ममता भी ज्यों की त्यों होगी। जैसे कुत्ते बने तो कुत्ते कुतिया माता पिता हमें मिल जाएंगे, गधे बने तो वहाँ माता पिता होंगे, और ऐसी ही ममता होगी, ऐसा ही प्रेम एक दूसरे में होगा। तो पुण्यात्मा और परमात्मा यही बताना चाहते हैं कबीर देव जी, कि तुम संसारिक
क्रियाओं को इतना महत्व देते हो कि सत्संग में भी नहीं पहुंच पाते हो। तो परमात्मा यही बताते हैं कि ये माता पिता, ये परिवार प्रत्येक प्राणी के शरीर में आपको उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा। सतगुरु नहीं मिलेंगे उन अन्य प्राणियों के शरीरों में। तो मानव शरीर के अंदर जो प्राणी भक्ति नहीं करता है वो अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा है। परमेश्वर की वाणी में है कि मानुष जन्म पाए कह, जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। अपने आत्मा और परमात्मा हमें बार बार आकर के यही समझाना चाहते हैं कि तुम मनुष्य जीवन प्राप्त करके इसमें प्राप्त सुविधाओं को प्राप्त करके आप भूल जाते हो परमात्मा को, क्योंकि ये जो भी पुण्य आपके पुण्य से ही आपको मानव शरीर प्राप्त है और आप ही की मलाई है पिछले जन्म की पुण्य संस्कार हैं, उनको आप बर्बाद कर रहे हो। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को परमात्मा मानव शरीर देता है, उससे भी पुण्यकर्मी प्राणी मानव शरीर पाकर भी जो अत्यधिक पुण्यकर्मी प्राणी है उसको सत्संग मिलता है। तो मानव शरीर प्राप्त करके जो भक्ति नहीं करते हैं प्राणी, परमात्मा बताते हैं कबीर थोड़ा जीवन, कबीर थोड़ा जीवन, ये मंडे बहुत मंडाने, सभी उबा पंथ सिर, ये राव रंक सुल्तान। कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक भाई सावधान क्यों ना हो। उजड़ खेड़े ठेकरी, ये गड़गड़ गए कुमार, रावण जैसे चले गए वो लंका के सरदार। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम इस छोटे मोटे कोई व्यवसाय में को या कोई कोठी कार फैक्ट्री को प्राप्त करके परमात्मा से दूर हो जाते हो। उसके लिए बताते हैं कि कबीर जीना थोड़ा, बहुत ही कम समय है ये, और आपके जो इरादे हैं वो बहुत लंबे चौड़े, आपकी कल्पनाएं बहुत लंबी चौड़ी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और एक पल का भरोसा नहीं कब यहाँ से शरीर चला छूट जाए, जीव चला जाए। कबीर थोड़ा जीवन, ये मंडे बहुत मंडाने, दूर तक के पता नहीं क्या क्या सोच बना रखी है, कल्पना कर रखी है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और कहते हैं सभी चल रहे हैं यहाँ से, सभी का एक दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। हम कितने नशे में हैं, कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुए भांग पड़ी। इस काल भगवान ने ये त्रिगुणमयी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा ये आप जी को यहाँ उलझा रखा है, इस माया जाल में फंसा रखा है। ब्रह्मा जी के रजोगुण माया के आधार से आप जी संतानों उत्पत्ति करते हो, यहाँ के ठाठ बाठ की चाह करते हो, और विष्णु जी के सतोगुण की माया के प्रभाव से आप जी यहाँ एक दूसरे में ममता मोह के माध्यम से जुड़े हुए हो, जकड़े हुए हो। तो पर आप जी के हमारे ऊपर इतना जबरदस्त दबाव है कि हमें कुछ भी दूर तक का सूझता नहीं, हमें होश नहीं है। इस